हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आम स्टार्ट करवा इकोसिस्टम रा पार्ट टू। तो आम पूर्व क्लास रे कौन पढ़ते इकोसिस्टम क्या कह जाए केते भाग विभक्त से गुड़ाक विषय में पढ़ते इकोसिस्टम क्या कह जाए जिते बड़क परस्पर निर्भरशील प्राणी उद्भिद बैक्टेरिया गुड़ाक निजर जो जीवन व्यवहार जो नियम अनुसार जो भौतिक रासायनिक द्वारा से माने निर्जीव जो लाइफ व्यतीत थांती ताहा को हमर इकोसिस्टम बोली कहा जाए। तो इकोसिस्टम मेनली हम दि भाग विभक्त कर गोटे है अबायोटिक आ गोटे है बायोटिक। तो अबायोटिक रे कौन आसला नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आसला अजैविक पदार्थ आमर बायोटिक आसला लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रे आमको पुणी तार तीन टा कैटेगरी अच्छे कौन कौन गोटे है प्रोड्यूसर गोटे है कंज्यूमर आ गोटे है डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर माने कौन जे खाद्य ग्रहण करथाय सॉरी जे खाद्य निजे तैयारी करथाय ताको हमर प्रोड्यूसर कहा जाए। कंज्यूमर है जे अन्य उपरे डिपेंड करथाय ताको कंज्यूमर बोली कहा जाए। और डीकंपोज माने हैला जे खाद्य डीकंपोज माने हैला तुम्हारे जे खाद्य आमर तो प्रोड्यूसरटा निजे खाद्य तैयारी करुछि कंज्यूमर है जी अन्य डिपेंड करछि। पुनी कंज्यूमर आमर तीन टा चारटा तीन चारटा भाग विभक्त करा जाइछि गोटे है प्राइमरी गोटे है सेकेंडरी गोटे है टर्सियरी आ गोटे है टॉप कंज्यूमर। तो आमर ये कौन इकोसिस्टम दुटा भाग विभक्त सरला आमर 1935 टासले इकोसिस्टम को व्यवहार करथिले से किए टासले 1935। तो एमें देखा प्रोड्यूसर क्या कहा जाए ताकू केते भाग कहा कहा जाए एग्जांपल कंज्यूमर क्या कहा जाए ताकू केते भाग विभक्त करा जाए तार एग्जांपल गुड़ाक हमें देखा डीकंपोजर क्या कहा जाए सर देखा। तो चलो स्टार्ट करवा प्रोड्यूसर क्या कहा जाए प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसर और द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स माने कि कौन जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता ताकू ऑटोट्रॉप्स कहा जाए प्रोड्यूसर और द ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आर दोज लिविंग मेंबर of the ecosystem that utilize sunlight as their energy source and simple inorganic material like water carbon dioxide and salt to produce their own food। amaro brukhyo amaro jo plant se nijo khadya nije prastut karthe kemiti karithae kaha dwara karithae amaro sunlight and carbon dioxide misiki photosynthesis karisanti photosynthesis bolare amaro kono आमर जो प्लांट गुड़ाक तार निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथाय ताहाकु आमर प्रोड्यूसर आमर ऑटोट्रॉफिक मध्य कहा जाए। प्लांट केमिति खाद्य तैयारी करथाय वाटर सनलाइट नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिसिकी कौन तैयारी करथाय फोटोसिंथेसिस होता है जहाँफल प्लांट खाद्य तैयारी करथाय सेटा एठी लिखाई कि तुम्हारा लिविंग मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम दैट यूटिलाइज सनलाइट एज देयर एनर्जी सोर्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड जी निजर खाद्य तैयारी करता है क्या को नहीं कि सनलाइट तुम्हार वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कि प्रोड्यूसर आर लार्जली फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑन देयर काइंड वेरियस विद द काइंड ऑफ इकोसिस्टम जोटा भी मुझे कहली कौन जिते बड़े प्लांटा तर खाद्य तैयारी करते कौन हो फोटोसिंथेसिस होटा ही लिखाई कि तुम प्रोड्यूसर आर द लार्जली फोटोसिंथेसिस प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्लांट एंड दे आर काइंड वेरियस विद द काइंड ऑफ इकोसिस्टम जोटा एवं कहली कि फोटोसिंथेसिस होता प्लांट तर निजर खाद्य से प्रस्तुत करुँच फॉर एग्जांपल कौन आमर जो फॉरेस्ट गुड़ाक प्लांट गुड़ाक से गोटे कौन मेन एग्जांपल अटे मेन इम्पोर्टेंट एग्जांपल अटे प्रोड्यूसर आमर प्लांट। तापर आमर आसला कंज्यूमर कंज्यूमर क्या कह जाए कंज्यूमर है जी अन्य उपरे डिपेंड करथाय। तो आम जितेबाला ह्यूमन बीइंग आम क्या डिपेंड हो जो गछलता उपरे प्लांट उपरे डिपेंड होमें पुणी डिपेंड हो तुम से एनिमल्स एनिमल्स एनिमल मैंने क्या डिपेंड होती आमर प्लांट उपरे डिपेंड होती। तो जिते बड़क आम कंज्यूमरटा अन्य क्या डिपेंड होता है अन्य क्या जो ह्यूमन बीइंग कि एनिमल्स गुड़ाक डिपेंड होता है आम कंज्यूमर बोली कहा जाए। कंज्यूमर आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट देयर अदर ऑर्गेनिज्म आर देयर फॉर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स माने कौन जी निज खाद्य निजे प्रस्तुति करपरिनाए ताको आम हेटरोट्रॉप्स बोली कहा जाए। तो ये देखिए आम कौन कंज्यूमर आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आम लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन आम एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स
मनीष एगुड़ा कौन लिविंग ऑर्गानिज दैट इंजर्स देयर ऑर्गानिज्म एंड देयर फॉर कॉल्ड कौन हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स माने हैला जे निज खाद्य निजे प्रस्तुति न करिकि अन्य उपरे डिपेंड होइथाय। कहा उपरे डिपेंड होइथाय? ऑटोटॉप्स उपरे डिपेंड होइथाय। ताहा कमर कोन बोली कहा जाय? हेट्रोटॉप्स बोली कहा जाय। दे डिराइव देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। कौन डायरेक्टली हो किंबा इनडायरेक्टली हो प्रोड्यूसर उपरे डिपेंडेंट होउछन्ति कि नै कंज्यूमर। जेमिति डायरेक्टली आमे प्लांट को खाउछु डायरेक्टली हैला। इनडायरेक्टली केमिति? पशु प्लांट को खाउछे जमी गोट छेलीटा हो गला प्लांट को खाइला पुणी आम तो खाऊ ना। तो इनडायरेक्टली हो कि डायरेक्टली हो आम डिपेंड क्या हो प्रड्यूसर उपर हो प्रड्यूसरटा किए ग्रीन प्लांट। तो दे डिराइव देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रड्यूसर ऑन द ग्रीन प्लांट। आम क्या डिपेंड हो ग्रीन प्लांट। द फूड इज देन डायजेस्ट। कौन डायजेस्ट हो फूड ब्रोकन डाउन दैट इज ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस व्हिच आर मेटाबॉलिस्ट इन द कंज्यूमर बॉडी एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिस्ट आर रिलीज टू एनवायरनमेंट। जो आम खाद्य खाऊ आम शरीर जोटा आम प्रोटीन से आम शरीर रही जाऊँ आय जो आम पदार्थ अन्य जो खाद्य गुड़ाक जो आम अन्य गुड़ाक जो रही जो प्रोटीन ना जो आम शरीर को आवश्यक ना जरूरी ना से गुड़ा कौन बाहर को पलि आसा कौन एनवायरनमेंट रिलीज टू द एनवायरनमेंट आमर जो रिलीज हो जाए कौटी एनवायरनमेंट रे। तो ये बुझेगा कि ना जिते बेलू आम खाद्य खाऊ खाद्य खाला बेलू आम शरीर में प्रोटीन खाद्य खाऊ आम शरीर प्रोटीन प्रोटीन तो आम शरीर जो प्रोटीन आमको आवश्यक जो प्रोटीन आमको दरकार से आम शरीर रही जाऊँच जो प्रोटीन आमको दरकार नहीं जोटा आम क्षतिकारक से गुड़ाक आम शरीर बाहरी जाऊँच कौटी एनवायरनमेंट रे बाहरी जाऊँ। तो सहीटा लिखाई द फूड इज देन डाइजेस्ट दैट इज ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस व्हिच आर द मेटाबॉलिस्ट इन द कंज्यूमर बॉडी एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिस्ट आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट। तो कंज्यूमर केतेटा टाइप्स रो अछि? कंज्यूमर हला फोर टाइप्स रो। गोटे हला प्राइमरी गोटे हला सेकेंडरी गोटे हला टर्सियरी आ गोटे हला टॉप मोस्ट। तो प्राइमरी कंज्यूमर कहा को कहा जाए? प्राइमरी कंज्यूमर हला इट इज एन इकोसिस्टम आर हर्बिवर्स व्हिच फीड डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर। हाउएवर प्राइमरी कंज्यूमर ऑल्सो वेरी विथ द काइंड ऑफ द इकोसिस्टम। माने कौन जो आमर जो इकोसिस्टम जो आमर प्लांट जो सॉरी आमर जो एनिमल्स गुड़ाक अच्छा प्राइमरी एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर क्या कह जो एनिमल्स गुड़ाक अच्छे जो मैंने डायरेक्टली क्या प्लांट्स को खाऊँ प्लांट को खाई खाऊँ ताको आम प्राइमरी कह जाए। आमर जितेबाला वृक्ष अच्छी आम गोटे गच अच्छे गच किए खाला डीयर खाला काउ खाला गोट खाला तो यही सब कौन प्राइमरी कंज्यूमर आसुँच जो मैंने डायरेक्टली जो मैंने आमर ग्रीन प्लांट को खाई से माने आमर प्राइमरी कंज्यूमर आसी था। तो आमर एग्जांपल कौन है? एग्जांपल है डियर। डियर टा कौन रहा फॉरेस्ट है तो आमर कौन डियर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। काउटा है आमर कौन ग्रासलैंड काउ आमर ग्रासलैंड इकोसिस्टम आसी था। तो ऑलवेज मन रखी थोड़ा डियर गुड़ाक आम फॉरेस्ट जो मैंने डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को खाई था जो मैंने ग्रीन प्लांट को फर्स्ट डायरेक्टली खाई था ताको आमर कौन प्राइमरी इकोसिस्टम कहा जाए। प्राइमरी इकोसिस्टम रे एग्जांपल है आमर हो गला काउ गोट तुमर डियर। तो डियर गुड़ाक जो मैंने जंगल रे रहउछन्ते तांकर इकोसिस्टम कौन कहा जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोली कहा जाए। और जो मैंने ग्रीन तुमर ग्रासलैंड रे रहउछन्ते जो मैंने बाहर रहउछन्ते तुमर जंगल रे जो मैंने रहू नहांती जेमती गला तुमर छेली गाई आमर चतुर्पार्श्व छेली गाई रहउछन्ते कि नहीं तो से आमर कौन कहा जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोली कहा जाए। तापर आसिला आमर सेकेंडरी इकोसिस्टम जो तृण जो आमर जो तृणभोजी प्राणी माने अछंती जो माने श्वेत सार पुष्टिसार भितर जो उपयोग जैव पदार्थ को से माने जो निजर खाद्य रूप में जो जैव पदार्थ को एही जो जैव पदार्थ द्वारा जो उत्पादन करिथांती और एही उत्पादन को से माने कौन से यही उत्पादन को जो मैंने खाई था उत्पादन होगा द्वारा जो मैंने खाई था सेकेंडरी कंज्यूमर बोली कहा जाए। जमीक तुम कौन बेंग होगा झिंटिका होगा तुम कौन स्पाइडर होगा ये सब कौन आम सेकेंडरी इकोसिस्टम आज सेकेंडरी इकोसिस्टम कौन द सेकेंडरी कंज्यूमर सच आज द आमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर किए किए अच्छा देख गेम फिश इन द जो
आमर जो इन ए पॉन्ड तो आमर जो पोखरी जो छोटो छोटो माछ थांती से माने फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर दे आर इन द मोस्ट इकोसिस्टम सॉरी इट हेला कंज्यूमर तो आमर जेती सब बेंग हो गले झिंटिका हो गले छोटो छोटो माछ हो गले से सब आमर कोठे आसंती सेकेंडरी कंज्यूमर आसी थांती हला तो प्राइमरी कंज्यूमर बुझेगा सेकेंडरी कंज्यूमर बुझेगा एबे आसला हमर टर्शियरी कंज्यूमर तो टर्शियरी कंज्यूमर कौन टर्शियरी कंज्यूमर है ना जी बेंग झिंटिका मानक खाई बची था जी सर्वाइव कर बची था टर्शियरी कंज्यूमर कह जाए तो टर्शियरी कंज्यूमर क्या कह जाए देयर आर द मोस्ट देयर आर इन द मोस्ट इकोसिस्टम सम ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर कार्निवोर्स लाइक स्नेक ईट ए फ्रॉग स्नेक क्या खाए फ्रॉग को खाए तापर पर और बर्ड्स इज टू ऑल टाइप ऑफ फिशेस आमर जो जो आम कौन पक्षी गुड़ाक से कौन ऑल टाइप ऑफ फिशेस खाई था इंक्लूडिंग कार्निवर्स जो आमर कार्निवर्स जो आमर कौन स्नेक अच्छी स्नेक गुड़ाक फ्रॉग खाई था बर्ड्स गुड़ाक तुम ऑल फिश खाई था दिस आर द टॉर्चर कंज्यूमर आई गुड़ाक टॉर्चर कंज्यूमर कह जाए एटा गोटे आम फूड चेन हिसाब से चलू कि नहीं जमीक आम फर्स्ट खाला आम फर्स्ट फास्ट गच्छ रहा ग्रीन प्लांट रहा डीयर खाला डीयर खाला पुणी डीयर खाई सारापर डीयर को तो डीयर खाई सारा लायन खाइले तो सेटा गोटे फूड चेन रहा आते बेलू जो तृणभोजी प्राणी मैंने जिते बेलू उद्भिद जत श्वेत सार और पुष्टि सार इत्यादि शरीर उपयोग कर जो कौन उपयोग कर से जो जैव पदार्थ प्रस्तुत करणु प्राणी उत्तर उत्पादन कहुए यही कारण पानी को उत्तर उत्पादन कहुए और यही उत्तर उत्पादन को जी निज खाद्य रूप व्यवहार करें जी खाद्य रूप व्यवहार करता है कौन कहुए सेकेंडरी कंज्यूमर बोली कहुए से किए किए आसुच फ्रग आसुचर तुम स्पाइडर आसुच्च झिंटिका आसबू आम सेकेंडरी आसरसीयरी कौन जी टर्शियरी है कार्नि मानने जमी स्नेक खाला तुम क्या फ्रग को खाला पक्षी गुड़ाक खाइले फिश को युवा तुम सेकेंडरी टॉप मोस्ट कंज्यूमर कौन टॉप मोस्ट है तुम जी टर्शियरी को खाऊं कि जी आम डीयर को खाऊं तो जमती सम इकोसिस्टम मे हाव द टॉप कार्निवर्स लाइक द लायन एंड लायन तो तुम कौन आम जो लायन क्या खाई था डीयर को खाऊ पुणी से यह ही लेखाई जो टॉप मोस्ट जो आम फर्स्ट डीयर डीयर तो कौन गच्छ खाइला ग्रीन प्लांट खाला डीयर तो पुणी तो से डीयर को किए खाइब डीयर को तो पुणी लाइन खाला ना तो लास्ट किए रहा लाइन तो यह तुम टॉप मोस्ट बोली कह जाए तो सम इकोसिस्टम मे हाव द टॉप कार्निवर्स लाइक लायन लायन है आमर टॉप मोस्ट कंज्यूमर व्हिच आर द नॉट किल और रेयरली किल्ड इटन बाय द एनिमल्स एटी से लिखीजी व्हिच आर नॉट किल्ड और रेयरली किल्ड इटन बाय अदर एनिमल्स किए लायन्स लायन्स है आम टॉप मोस्ट कंज्यूमर तो आम जानले कंज्यूमर आम के टाइप्स अच्छी फास्ट है आम प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर तो एबे आम पढ़ा डिकम्पोजर तो वीडियो पोज करके नोट डाउन करो लिविंग ऑर्गेनिज्म गुड़ाक मिसिक बायोटिक हो गुड़ाक मिसिक कौन
आम पढ़वा कि आम लिविंग अर्गानिजम के कौन कंपोनेंट्स डिकम्पोजल तो डिकम्पोजल और द माइक्रो कंज्यूमर आर द वर्ल्ड आम जो डिकम्पोजल और द माइक्रो कंज्यूमर आर ऑल्सो द स्प्रेडर ऑफ फाइबर कह जाए आम जो डिकम्पोजल अच्छा आम जो डिकम्पोजल माइक्रो कंज्यूमर को कौन बोली कह जाए आ गए स्प्रेडर्स डिकम्पोजर मैंने लिविंग कंपोनेंट्स में तो लिखी दे आर ऑल्सो लिविंग कंपोनेंट बैक्टीरिया डिकम्पोजर मैंने देखा दैट ब्रोक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बैक्टीरिया मैंने बैक्टीरिया मैंने गच्छा सही द्वारा बन था जो आम खाद्य खाऊ वेस्टेड वेस्टेड एक्सक्रीट प्रोड्यूसर जो जो तार जो कौन सढ़ा पत्र तार जो जी सढ़ा पत्र गुड़ा से बैक्टेरिया क्रिएट होती लिखी क्रिएट होती प्रड्यूसर कंज्यूमर वेस्ट प्रडक्ट एक्सक्रीट प्रडक्ट कौन बैक्टेरिया क्रिएट होती ऑब्जर्व सम ऑफ द डीकंपोजिशन प्रडक्ट एंड रिलीज सिंपल सब्सटेंस यूजेबल बाय द प्रोड्यूसर की यूजेबल बाय द प्रोड्यूसर तो हम मशरूम ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर आर द लार्जेस्ट ऑफ द कौन डीकंपोजर दैट इज विजिबल टू ए नेकेड आई हमें खाली आखिर कहा को देखो मशरूम को मशरूम कैसे क्रिएट होती मशरूम कैसे बाहर गछर पत्र गुड़ाक जो सढ़ी पचिकी जो आम सढ़ी पचिकी रखुच्छी कौन पृथ्वी आम पृष्ठ जो सढ़ी पचिकी रोचे जहाँ कौन मशरूम बाहर मशरूम को आम खाली आखिर देख पार्टा मशरूम भी तो गोटे बड़ा बैक्टेरिया ना तो सहीटा कि मशरूम अफ द फरेस्ट फ्लोर आम जो मशरूम टाइम कौटे बाहर फरेस्ट मैंने बाहर था आर द लार्जेस्ट अफ द डिकम्पोजर दैट आर विजिबल टू नेकेड आई आम आपको विजिबल कर नेकेड आई द्वारा क्या मशरूम जो उद्भिद मान जो डीकम्पोज कर जैव
वही जैविक जो पदार्थ गुडा जैविक अमूल पदार्थ गुडा बाहर कराता कौन क्या डिकम्पोज सा बाहर कर डिकम्पोज द्वारा से बाहर बुझी ना से डिकम्पोज द्वारा से गुडा बाहर जमी मृत जीव गुडाक मृत जीव गुडाक जिते मृत हो जाए से क्रिएट ऑर्गेनिक मैटर और
मिनरल गुड़ाक मेटेरियल गुड़ाक अर्गानिक मैटर मिसिक अमिनो एसिड एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ द डीके ऑफ लिविंग थिंग अमिनो एसिड और लिविंग थिंग गुड़ाक मिसिक मेटेरियल अच्छा क्वांटिटी ऑफ अबायोटिक मेटेरियल आमर जो क्वांटिटी ऑफ अबायोटिक मेटेरियल लाइक द मिनरल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इज आवर इकोसिस्टम इज स्ट्रांग टर्म एज द स्टैंडिंग स्टेट सिमिलरली टू द स्टैंडिंग ग्रोथ विद रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स आमर जो बायोटिक कंपोनेंट्स अच्छा जो एनिमल गुड़ाक जो आमर प्लांट गुड़ाक से गुड़ाक अबायोटिक मैटर्स आमर जो लिविंग बायोटिक आम कौन के आमर जो कौन एनिमल प्लांट फल कौन सैकल गुड़ाक चलू लिविंग द्वारा कौन सैकल चलू तो देखिए तो क्वांटिटी ऑफ अबायोटिक मटेरियल्स जो आमर अबायोटिक मटेरियल्स अच्छे लाइक द मिनरल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम्स इन एनी इकोसिस्टम आमर जो इकोसिस्टम आमर जो आमर वैरायटीज ऑफ इकोसिस्टम अच्छे आमर अलग अलग मिनरल प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन एनी इकोसिस्टम इज टर्म एज द स्टैंडिंग स्टेट सिमिलर टू द स्टैंडिंग क्रॉप आमर जो स्टैंडिंग स्टेट कहा द्वारा सिमिलर अछि स्टैंडिंग क्रॉप द्वारा सिमिलर अछि व्हिच इज रिफर टू व्हाट इज रिफर टू बायोटिक कंपोनेंट को से रिफर टू छि अबायोटिक सब्सटेंस ऑफ कंपोनेंट त हमर अबायोटिक सब्सटेंस भाग आ को मिस गेला वाटर हे गेला तमरो मिनरल हे गेला तापर तमरो गैसेस एंड सॉल्ट हो गेला बायोटिक साइकल बोली
तो स्टूडेंट्स आमे पढ़ुले अबायोटिक सब्सटेंस और कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ुले बात से भीतर आसीला आमर दिटा थिंग्स गोटे हला मटेरियल्स आ गोटे हला एनर्जी त हम मटेरियल्स पढ़ सकले एबे एनर्जी केमती होजे कोन रे अबायोटिक सब्सटेंस से केमती फॉर्म आउची एनर्जी ता तो आमर एनर्जी एनर्जी माने कोन शक्ति तो इट इज द एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ लाइट आमर एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी केमती फॉर्म होजे तो एनर्जी फॉर्म ऑफ लाइट हीट एंड स्टोर एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड एक बार से किसी की एनर्जी फॉर्म होती व्हाइल द मटेरियल सर्कुलेट द सोलर एनर्जी इज कंटीन्यूअसली ट्रैप्ड बाय द ग्रीन लाइट जो हमारा सोलर एनर्जी है जो हमारा सौर शक्ति से कंटीन्यूअसली ट्रैप्ड होती है कहां पर ग्रीन लाइट जेते को हम सूर्य के हमारा सौर शक्ति कंटीन्यूअसली ट्रैप्ड हो यदि सौर शक्ति न थी तो से केमती खाद्य तैयारी करबो खाद्य तैयारी यदि कर पारिबो न तो से केमती कंपोस्ट प्रोड्यूसर हो से टाइप रे हमर जो फोरटा थिंग्स अछि हमर जो फोर हमर जो कंपोनेंट्स अछि गोटे ला कोन प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकंपोज आवर द अबायोटिक सब्सटेंस तो हमर देसी जो द सोलर एनर्जी इज कंटीन्यूअसली ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट जो सोलर एनर्जी ता होछि कंटीन्यूअसली ट्रैप्ड होछि हमर ग्रीन प्लांट ऊपर हैला ऑन द अदर हैंड loss of space through precipitation and loss of heat by all type of organism amar jo solar system jo amar solar energy ta kon hochi green plant re se continuously trapped hochi out on other hand loss in space through precipitation and loss of heat or loss of heat by the all type of organism on the either on the एनर्जी फ्लो थ्रू आवर इकोसिस्टम हमर कोन एनर्जी फ्लो होसी इकोसिस्टम रे ओनली वन द ट्रैफिक हमर जो गछ को जितना हमर जो प्लांट रे हमर सौर शक्ति आसी सेरा कोन आसी छी किबे से केबे भी सौर शक्ति ना हमको गछ रे पूरी तो सौर शक्ति हमर सूर्य को तो सजाई पावे ना एनर्जी ता तो सेरा कोन वन द ट्रैफिक से सब बेले आसी छी किबे से जाई पावे तो जे देई छी कि द एनर्जी फ्लो थ्रू आवर इकोसिस्टम ऑन द वन द ट्रैफिक proper maintenance if any ecosystem the energy must be consistently added to this jo amar jo energy jo asuchi kodi asuchi plant ko asuchi sir traffic the proper maintenance jo amar jo proper maintenance of any ecosystem amo jodi ame manina ki jodi soro shakti asila ni jethi ke amar jo charita amar jo achi kon आमर जो चारटा कंपोनेंट्स अछि से माने प्रॉपर मेंटेनेंस कार्य करो से माने प्रॉपर्ली से कार्य करथि जेते बेले प्रॉपर्ली कार्य करथि आमर जो पृथ्वी आमर जो एनवायरमेंट का इकोसिस्टम ना आमर प्रॉपर भाबे चालू छि यदि माने सूर्य शक्ति आसिलानी आमर सूर्य आसिलानी आमर कार्बन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिसिंग से माने फोटोसिंथेसिस करू छथि यदि से माने आमर सोलर सिस्टम आमर जो सोलर एनर्जी प्रॉपर्ली आमर प्लांट पासिलानी से केमिदि खाद्य तैयारी करबो यदि खाद्य तैयारी कर पाथनी आमे तो केमिदि ऑब्जर्व करबो आमे तो खाद्य रूप में ग्रहण करते हैं आमे खाद्य रूप में ग्रहण कर पाते नहीं तो पूरे किंतु डीकंपोज हो आमे जब तक खाद्य रूप में व्यवहार करो खाद्य रूप में खाई बात आमर जो वेस्ट एक्सट्रीड प्रोडक्ट बुला को बाहर ही को सेट वालों जो क्रिएट है तो सेट ही यदि कहा जाए कि एक बड़ा कम करो प्रॉपर मेंटेनेंस से आगे चल जाए प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम तो एनर्जी मस्ट बी कंसिस्टेंटली एडेड एंड ट्रांसफर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सही टाइम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जी गछ आमर सोलर सिस्टम को सोलर एनर्जी आसु छी गछ रे गछ पूरी ताकू दुखी हो छी आमर ह्यूमन बी डियर आमर छेली खाउ छी पूरी आमे कोन से प्लांट को खाउ छु प्लांट को खाइबा फल रे आमर आमे खाउ छु ताकू पूरी आमे मांसाची गछ आमे मांस को भी खाउ छु तो सेई थ्रू पूरी आमे जते बले एक्सक्रीट हो जाउ छु जते बले आमर एक्सक्रीट हो छु जदा डेथ हो छु कि आमर अणुजीव कुडा को क्रिएट हो छु से माने आमे अणुजीव कुडा को से प्रोडक्ट खाउ छु जते बले गछ सड़ी जाउ छु पत्र सड़ी जाउ छु सेई थ्रू अणुजीव बैक्टीरिया कुडा क्रिएट हो छु तो सेईटा से कोन हो छु गोटे प्लांट गोटे एनिमल सी गोटे ह्यूमन बी छु आ गोटे ह्यूमन बी तो कोन हे छि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एटा कोन ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हो छु द
बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट द कौन कौन इज इकोसिस्टम इज द बैलेंस समय कौन डिस्ट्रीब्यूट इन बैलेंस कार्ड जो करू छन के चारटा हमर कंपोनेंट्स द होल सिस्टम ब्रेक डाउन और जदि समय जदि कार्य करिवे जदि समय कार्य जदि भल भाबे करबे हमर होल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जइबो हमर इकोसिस्टम चालू करे ब्रेक डाउन हो जइबो ब्लॉक हो जइबो हमर जो साइक्लिंग गुडा को से गुडा को हमर साइक्लिंग द्वारा ही हमर इकोसिस्टम चालू हो जइबो साइक्लिंग से गुडा प्रोसेस हो जइबो सब हमर कार्य हमर इकोसिस्टम हमर एनवायरनमेंट जो कार्य गुडा को सब हमर ब्लॉक हो जइबो जदि मेंटेनेंस जदि समय प्रॉपर्ली काम जदि कार्य जदि करि पाथिनि के फोर कंपोनेंट्स गुडा को as the main the proper function of an ecosystem to samay kon karjo korba mane korba bahut jore ki four components gura ko there must be continuous flow of energy and cycling of mineral jora bi kahili kam ko samay kon continuous flow au kon cycling process sab bele karjo korba dorkar cycling process amar jo nitrogen cycle amar carbon cycle e gura ko kon kahan na hai paruchi amar jo chatta jo components hochi तांको द्वारा हमरो कोटा ही परछ हमरो साइक्लिंग प्रोसेस ही परछ जहां पर हमरो हमर एनवायरमेंटल इकोसिस्टम हमरो जो भर भाबले चली आसे छे हैला तो आज हमर कोन पढिले हमें पढिले बायोटिक बायोटिक भीतर हमरा से प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकंपोज अबायोटिक पढिले अबायोटिक दीना मटेरियल्स आसेला दीना थिंग्स आसेला कोन आसेला गोटे हेला हमर मेंटेन हमरो जो अबायोटिक हमर दीना थिंग्स आसेला गोटे हेला मटेरियल आ गोटे हेला जे हेला तो एनर्जी कोन हेला एनर्जी हमर हेला एनर्जी कहां कहां को लेके फॉर्म है जी हमर हीट है जी लाइट है जी स्टोर एनर्जी एंड केमिकल बॉन्ड मेक ना हमर फॉर्म है जी के एनर्जी अब एनर्जी हमर कोन हमर जो सूर्य सूर्य एनर्जी हमर जो सूर्य सूर्य एनर्जी हमर कोन करछि सब में ट्रैक्टेड कर छी हमर ग्रीन प्लांट को ट्रैक्टेड कर छी जहां पर आमे हमर जो मेंटेनेंस ग्रीन प्लांट ट्रैक्टेड कर छी जहां पर से फोटोसिंथेसिस कर पारु छी आ जहां पर आमे मेंटेनेंस है कि जदि हमर ग्रीन प्लांट भर रहइबो कि ह्यूमन में केमिति भर रहइबो एनिमल केमिति भर रहइबो सेटा जदि हमर से ट्रैक्टेड करू छी फोटोसिंथेसिस होउ छी फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमर साइक्लिंग मेंटेनेंस गुडा को हमर भल भाबे चले आसी छी त हमर मोस्ट हेला कोन इंपोर्टेंट हेला एनर्जी एनर्जी रो हमर इंपोर्टेंट जो जगह हम माने से एनर्जी नथिना हमर फोटोसिंथेसिस हे न पाइ थाले सौर शक्ति हे हमर फोटोसिंथेसिस हे नथिना फोटोसिंथेसिस समय नथे प्रोड्यूसर केमती है जाना कंज्यूमर केमती है जाना हमर डीकंपोज केमती है जाना बुझी बुझी ना तो सब गुटे इंपोर्टेंट है हमर एनर्जी देयर फोर कंपोनेंट्स होय जो जडा से ओवर मेंटेनेंस करू छी हमर इकोसिस्टम को हमर एनवायरमेंट को मेंटेनेंस के करू छी हमर हमर कोर जो कंपोनेंट्स से मेंटेन कर के रहू छथि आई होप स्टूडेंट्स ए टॉपिक का बुझी हेबो जदी बुझी हेतिले मु परवर्ती रे आउ भल भाबे जदी बुझी हे नथिले कमेंट करि परबे मु परवर्ती रे आउ थोर भल भाबे बुझिबा पई चेष्टा करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग।